तो दशरथ महाराज जो थे, हम सब जानते हैं दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी, तीन, पर एक्चुअली थी 353, देयर वर 353 क्वींस, 350 प्लस तीन, तो तीन जो थी वो एक्चुअल में उनकी वाइफ थी, जिनका नाम हम सब जानते हैं, और क्या कहता, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी, तो ये तो एक्चुअल में उनकी वाइफ ही थी, ठीक है। बाकी जो वाइफ जो उन्होंने स्वीकार की थी वो सरकमस्टेंशियली एक्सेप्ट की गई थी, क्यों, क्योंकि उस वक्त परशुराम जी भी थे जो कि इस स्प्री में निकले हुए थे कि जितने भी क्षत्रिय हैं सबके सब रजोगुण में हैं, इसलिए इन क्षत्रियों को ना मैं पूरी पृथ्वी को 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो लेकिन दो कंडीशन में वो क्षत्रिय को छोड़ दिया करते थे, अगर तो उसकी पत्नियां नग्न होकर के उसके सामने खड़ी हो जाएं, राजा के सामने खड़ी हो जाएं, तो परशुराम जी बहुत कहते क्या ये कोई तरीका होता है, फिर वहां चले जाया करते थे, तो अगर उसकी पत्नी जो है राजा की पत्नी अगर वो नग्न होकर सामने खड़ी हो जाए, दूसरा अगर कोई राजा शादी कर रहा होता था, फेरे ले रहा होता था, तो छोड़ दिया करते थे। तो पहली ऑप्शन दशरथ महाराज को कभी इतनी कंफर्टेबल लगी नहीं कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन उन्होंने अपनाई कि जब भी परशुराम जी आ रहे होंगे उनको पता लगता कि परशुराम जी अभी अयोध्या की ओर ही आ रहे हैं, कहता भाई शादी का बंदोबस्त करो तो एक आएगी स्त्री आएगी उसका व्यवस्था हो रही होगी, फिर ये फेरे ले रहे होंगे, भाई फेरे ले रहा हूँ छोड़ दो भाई। हालांकि दशरथ महाराज अपने आप में बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वो ये जानते थे कि भगवान के ये शाक्तव्य अवतार हैं परशुराम जी, इनसे लड़ना वो ठीक नहीं है, तो एक मर्यादा रखते हुए उन्होंने ऐसा किया, तो लेकिन अब अपनी रक्षा भी करने कैसे की जाए, तो सेकेंड ऑप्शन उन्होंने वो चुनते थे, वो ये करते थे कि जब भी परशुराम जी आ रहे होते थे तो शादी में लग जाते थे, तो फेरे ले रहे होते थे, सिंदूर भर रहे होते थे, मंगलसूत्र वाले कहते देखो तो फिर आप देख ली कहो हो विवाह हो रहा है आपका, ठीक है ओके, तो फिर परशुराम जी आए चले जाया करते। तो इस प्रकार से 350 बार परशुराम जी ने अयोध्या में प्रवेश किया, तो दशरथ महाराज को फिर 350 बार शादियां करनी पड़ी अपने आप को बचाने के लिए परशुराम जी से, तो इस प्रकार से परशुराम जी आके निकल जाया करते। तो इस तरह से 350 प्लस 3 इस प्रकार से हो गई 353 वाइव्स, लेकिन जो एक्चुअली जो उनकी जो क्वींस थी जो कि सरकमस्टेंशियली नहीं थी, जो कि बाय चॉइस उन्होंने स्वीकार की थी, वो ये थी वास्तव में। तो उनके जीवन में सब कुछ था, सारा ऐश्वर्य था, बहुत ही बलशाली थे, इतनी सुंदर पत्नियां थी, आज्ञाकारी पत्नियां थी, रिश्तेदार सब कहना मानने वाले थे, अयोध्या जहां पर कोई युद्ध करने के कोई सोच भी नहीं सकता, मन सबके बड़े शांत है, ऐश्वर्यशाली है, वैभवशाली है। कल हमने अयोध्या के पूरे स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी चौड़स रोड्स हैं प्लस और मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 8 रोड्स हैं, चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, पाकिस्तान पे गार्डन्स हैं, इमराल्ड की बनी हुई वॉल्स हैं और चंदन के बने हुए वहां पर गेटवेज हैं, फैबुलस अयोध्या, नथिंग लाइक इट, अनपैरलल। लेकिन भौतिक जगत में कहीं ना कहीं पिन प्रिक तो रहनी रहनी है, तो उनकी लाइफ में भी एक पिन प्रिक थी, एक कमी है जो हमेशा उनको कचोटती रहती थी कि काश ऐसा होता कि मेरा पुत्र होता, काश कि मेरा एक पुत्र होता। उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था शांता, लेकिन उनको पुत्र चाहिए था, क्योंकि पुत्री से पुत्री तो अब जाएगी, अब विवाह हो जाएगा, वो चली जाएगी वो। तो उनके दोस्त भी थे, अंग देश के राजा थे, उनका नाम था रोमपद महाराज, तो उन्होंने पुत्री उनको दे दी कि चल, उनकी ना कोई संतान नहीं थी, इनकी फिर पुत्री थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कोई मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, कम से कम आपकी पुत्री तो है। कहते अरे दोस्त क्या हो गया, अगर मेरी पुत्री इतनी पसंद है कोई बात नहीं, मेरी पुत्री आज से आपकी पुत्री। अरे रोमपद महाराज तो बहुत ही खुश हो गए, तो रोमपद महाराज को उन्होंने दे दी। तो अब दशरथ महाराज के पास ना तो पुत्र ना पुत्री, पुत्री जो थी शांता, शांता को दे दी अपने मित्र, अपने दोस्त को, रोमपद महाराज को जो अंग देश के राजा थे। तो अब ये हमेशा चर्चा चला करती है, अब क्या किया जाए, किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो, क्या किया जाए। तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने सोचा, अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ से बहुत सारे पुण्य आएंगे, तो शायद पुण्यों से मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करना शुरू किया था। लेकिन अब उनको पुत्र प्राप्त हो नहीं रहा था, क्या किया जाए, अश्वमेध यज्ञ भी कर चुके थे, वो पैसा बहुत खर्च हो चुका था, नहीं क्या करें, हो नहीं रहा पुत्र। दूसरा जो अंग देश के राजा है रोमपद महाराज, अब अंग देश के अंदर वहां सूखा पड़ा हुआ है, काफी समय से वहां बारिश नहीं हुई, क्या किया जाए। तो सब प्रकार से जब चर्चा वगैरह हो गई तो उनके मंत्री ने बताया कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो यहां यज्ञ करे, यज्ञ क्या, अगर उसे चरण भी पड़ जाएंगे ना, अगर जगह पर अंग देश में वहां बारिश हो जाएगी, लेकिन वो कंडीशन ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि जन्म के वक्त स्त्री का चेहरा ना देखा हो, ये तो असंभव है, क्योंकि बच्चा पैदा होता ही नर्स को भी देख लेता है, माँ को भी देख लेता है,
ऐसा कौन सा भला व्यक्ति होगा जो कि पैदा हो और उसने श्री का चरण देखा हो? ये तो असंभव है। तो फिर उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जब पैदा हुआ था तो उसने स्त्री का चेहरा दिखाई नहीं उसने। कहते लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हाँ एक ऐसा है। तो फिर उनके जो मंत्री थे रोमपद महाराज के मंत्री, उन्होंने एक उनको स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, उनका नाम था विपंडक, कुछ जगह वोमडक भी लिखा हुआ है और कुछ लिखा विपंडक, विपंडक ऋषि थे, कुछ जगह मृग ऋषि भी लिखा हुआ है, अलग नाम मिलते हैं इनके। तो इस प्रकार से ये ऋषि थे और बहुत तपस्वी थे, बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि मतलब अब स्वर्ग की अप्सराएं भी इनके ऊपर टेस्ट मार चुकी थी, तकथाई कर चुकी थी, लेकिन इन पर कोई फर्क पड़ा नहीं था। तो इंद्र को जब लग जाता है ना कि भाई मेरी यहाँ की अप्सराएं भी तकथाई कर ली फिर भी फर्क नहीं पड़ा, ये उनमें इनसिक्योरिटी आती है। अरे अब ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, उसके बाद फिर ये ऋषि क्या करेगा, ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांग लेगा, ही बिकम्स वेरी इनसिक्योर। तो उन्होंने अपनी अपने लोक की अप्सराएं तो ट्राई की हुई थी लेकिन सबकी सब फेल हो गई थी, इवन उर्वशी वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ा है, वेरी वेरी पक्का ऋषि, विपंडक ऋषि। तो फिर वो ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आपके यहाँ की सबसे बेहतरीन जो कोई अप्सरा हो वो दे दीजिए। कहते हैं देखिए अब इन अप्सराओं को भेज करके एल्योर करना ये काम वैसे शोभा देता नहीं, हम ब्रह्म लोक में सब भक्ति वगैरह करते हैं, देखिए आप ब्रह्मा जी अब आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, देखिए ये मेरी प्रार्थना है, देखिए प्लीज आप कृपा कर दो बस आप। तो फिर उन्होंने वॉलंटरली पूछ रहे भाई कोई जाना चाहे तो जा सकता है। तो वहाँ एक हंसा नाम की एक अप्सरा थी, उनको बोल दिया कि देखो आप जाना चाहोगे, इंद्र बहुत इतना ज़्यादा हाथ जोड़ रहा है। हंसा ने कहा देखिए वैसे तो ये सब काम है मैं करना मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आप बोल रहे हैं ब्रह्मा जी तो फिर ठीक है। तो हंसा जो थी ये उसी आश्रम के पास जहाँ पर विपंडक ऋषि रहा करते थे पास में बड़ा सुंदर तरीके से वैदिक स्तुतियाँ गाने लगी। अब वैदिक स्तुतियाँ इतने मधुर स्वर में गाई उन्होंने और इतने अच्छे से गाई कि ना मतलब विपंडक ऋषि का ध्यान एकदम हुआ कि कौन है ये जो इतने सुंदर तरीके से गान कर रहा है वैदिक स्तुतियों का। तो आप पहुंच गए, कहते हे देवी आप इतना सुंदर आप स्तुतियां गा रही हैं वेदों से, आप कौन है, आपने तो मेरे हृदय को इतना प्रसन्न कर दिया है, आप मुझसे जो वर मांगेगी मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा देखिए जो मैं मांगू या जो वर देना चाहूँ मांगू आप दोगे? कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ क्या वर चाहिए? कहते आप ही चाहिए वर के रूप में, आप ही मेरा वर बन जाइए, मैं आपकी वधू बन जाऊँ। कहते ये क्या मतलब तुमने स्तुतियाँ इसलिए गाई थी कि ताकि मतलब ये सब तुम्हारा स्वयं ये सब तामझाम करने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए? तो तभी जो है विपंडक ऋषि ने ध्यान लगाया था, अच्छा ये स्टोरी है, इंद्र ने जो है अपने लोक का नहीं भेजा तो इंद्र के लोक से भेजा तुमको, तो तुमको क्या चाहिए? हाँ मेरे से पुत्र प्राप्ति चाहिए तुमको, मेरी वधु बनोगी। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपना वीर लिया, ये ले तेरे को ये चाहिए ले दफाओ, और ये कह करके विपंडक ऋषि चले गए। अब उसके हाथ में अब ये देखा ये तो वीर है, ये तो इतने तेजस्वी ओजस्वी ऋषि का, तो बहुत घबराई हुई थी, तो देखा क्या करूँ, पास में हिरणी थी उसके गर्भ में डाल दिया और वहाँ से हंसा चले गए कि इससे पहले वो क्रोध में आके जला के भस्म कर दे चले जाओ यहाँ से। अब ये जो विपंडक ऋषि का जो वीर था जब इसको डाला गया हिरणी के गर्भ में, तो हिरणी ने जो है तुरंत वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। अब है विपंडक ऋषि का क्योंकि वीर है तो मनुष्य था, लेकिन क्योंकि हिरणी से आया तो इसलिए सींग निकले हुए थे उसके, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ऋषि श्रृंगा। श्रृंगा मतलब होता है इसके मतलब हॉर्न्स, जिसके कि सींग होते हैं, तो ऋषि श्रृंगा। तो कई लोग इसको ज्वाइन करके बोलते हैं ऋषि श्रृंगा, पर है ऋषि श्रृंगा। तो इस प्रकार से सींग निकले हुए थे इनके, और इतने मासूम, इतने मतलब इनको दुनियादारी का पता नहीं। अब ये ऋषि श्रृंगा जिन्होंने इसे स्त्री का चेहरा नहीं देखा, हिरणी ने जन्म दिया और हिरणी तो चली गई, क्योंकि हिरणी का कोई मैटर्निटी तो होती नहीं कि वो इतने महीने वसवाड़ा में रहेगी। उसने जन्म दिया, उसको उसने देखा ये तो अजीब सा दिख रहा है बच्चा, ये तो मेरे जैसा है ही नहीं, तो वो चली गई। अब ये ऋषि श्रृंग है वहाँ पर उए 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 रो रहे हैं, सींग निकले हुए हैं। तो ये उनके क्रंदन करने की आवाज़ ये विपंडक ऋषि के कानों में पड़ी, कहते अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये बच्चे की रोने की आवाज़ जंगल में कैसे आ गई, जंगल में कौन है भला? वो पहुँचे देखिए वहाँ पर बच्चा पड़ा हुआ है, इतना सुंदर बालक है, बड़ा ओजस्वी है तेजस्वी, उसे सींग भी निकले हुए हैं। ये ऐसा भला कैसा कोई मनुष्य हो सकता है जिसके सींग भी निकले हो? तो फिर उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा अरे ये तो मेरा ही पुत्र है, ये तो मेरा ही पुत्र है।
तो उसको लेकर के आश्रम में गए, उसको अच्छे से पाला पोसा शिक्षा दी। और पंडित ऋषि ने सोचा हुआ था मैं इसको कभी बिना सांसारिक माया में गिरने नहीं दूंगा, इसलिए मैं हमेशा इसको बचा कर रखूंगा, जंगल में ही रखूंगा, ये और किसी को कभी देखेगा ही नहीं, ये सिर्फ मेरे को ही देखेगा बस, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। और ऋषि जो श्रृंग थे इतने मासूम थे, एकदम भोलू, एकदम संसार की कोई उनमें कपट, कोई द्वेष, दम कुछ भी नहीं था। इवन मंजन भी करना होता था तो पिताजी से पूछते, कहते पिताजी मैं दांत मंजन कर लूं? हाँ तुम दांत मंजन कर लो। धन्यवाद पिताजी। पिताजी मैं स्नान करने चला जाऊं? हाँ तुम स्नान करने चले जाओ। स्नान करने जाएंगे, पिताजी अब मैं नए कपड़े पहन लूं? हाँ पहन लो, एकदम शुद्धा पवित्र, एकदम गाय जैसा, दिस गाय वॉज लाइक अ गाय। तो ऐसे थे ऋषि श्रृंग, मासूम, इनको जहां मंत्रोच्चारण में कराया करते थे, बड़े कोमल भोले भाले, दुनिया की दुनियादारी कपट क्रू ये सब डिप्लोमेसी ये सब पता ही नहीं उनको। तो ऋषि श्रृंग के बारे में बताया मंत्रियों ने अंग देश के राजा रोमपद महाराज को कि अगर वो आ जाएंगे और वो स्वाहा स्वाहा कर देंगे, अरे उनके चरण पड़ जाएंगे ना तो ही बारिश हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा देखा, लेकिन लाया कैसे जाए? कहते हैं भाई पंडित ऋषि जो है अगर उनको पता लग गया ना, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे बच्चे को मैं माया छूने नहीं दूंगा, मैं माया मेरे बच्चे को छुएगी नहीं, ये प्लान बना के रखा था। आज और है बहुत तपस्वी है, उनके ऊपर कोई अप्सरा भी काम नहीं की, बहुत जबरदस्त भक्त है वो, तपस्वी साधक है वो। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, कहते एक योजना है, जब ये ध्यान लगाने के लिए जाते हैं ना तब हम ये कर सकते हैं कि ऋषि श्रृंग खुद ही अगर आ जाए विल एल्योर हिम, लेकिन एल्योर कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ की जो बेस्ट लड़कियां थी अंग देश की सुंदर लड़कियां, इनको जो है दाढ़ी वाड़ी लगा लगू करके और जटाएं वटाएं बांध करके ये करके जो है इनको एक चलने वाली कुटिया जो पानी पे तैरती हो, बोट थी, बोट के ऊपर कुटिया वुटिया बना करके ये पहुंच गए उस जगह पर जहां पर कि ऋषि श्रृंग रहा करते थे, वोमडक ऋषि या विपंडक ऋषि पास तपस्या किया करते थे। अब ये जो है उनके पास जब पहुंची तो अबे पहली बार इन्होंने किसी और का चेहरा देखा था, अभी तक इन्होंने सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा देखा था, विपंडक ऋषि का, ऋषि श्रृंग ने। जब ये पहुंची तो उन्होंने प्रणाम किया, ओ हे ऋषि श्रृंग हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब उनकी मधुर मधुर आवाज सुनी, उनको बड़ा अच्छा लगा, कहते वाह कितनी अच्छी आवाज है इनकी, उनको पता नहीं किसकी आवाज आई, कहते हैं भैया देखो ऋषि कितने, और जब ये ऋषि इनको हाथ लगाए इनको बड़ा अच्छा सा लगे, कहते जब ये छूते हैं बड़ा बड़ा अच्छा सा लगता है, कहते ये आवाज आवाज ही बहुत अच्छी है इनकी, जो छूते हैं तो बड़ा अच्छा। और फिर जैसे ही देखते थे कि ना अब विपंडक ऋषि का तपस्या का टाइम हो रखे, कहते हैं चलते हैं हम, हरे कृष्णा। तो जब ये ऋषि मुनि चले जाए तो अब ये ऋषि श्रृंग बेचारा भोला वाला सीधा साधा, कहते वो ऋषि कितने अच्छे हैं, जब मेरे पिताजी छूते हैं ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती, लेकिन जब ये छूते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, जो उनकी आवाज़ बड़ी मीठी मीठी सी है, मेरे पिताजी की आवाज़ बड़ी कड़क सी है, पर ये बड़े ऋषि मुनि बड़े अच्छे हैं, जब आते हैं ना बड़ा अच्छा सा लगता है, जब छूते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा था, अब ये अब ऐसे आने लगे, अब इनका जो है संबंध बन गया इनके साथ, भैया दोस्ती मित्रता हो गई, कहते हैं आइए ना हम आपको अपने आश्रम में लेके चलते हैं, रोज हम तो आते हैं आपके आश्रम में, अब आप भी कभी चलिए ना हे ऋषि। कहते हाँ हाँ चलिए ना हम चलते हैं, और ये उनके साथ चलती। अब ये असल में जो इनकी कुटिया है, कुटिया नहीं है ये, तो असल में बोट है, इस पे बिठा करके बोट को ले गई है अंग देश की ओर। कहते आइए आइए थोड़ा कुटिया के बाहर थोड़ा हम भ्रमण करने भी चलते हैं। भ्रमण करने क्या, जैसे ही बोट के पार पांव रखा, वो था अंगदेश, जैसे ही अंगदेश में ऋषि श्रृंग के पांव पड़े चरण पड़े वैसे ही वहां बारिश हो गई। हमने कहा जय हो सबने जय जयकार करने शुरू कर दिया, अरे देखो बारिश हो गई, इतने सालों बाद हमारे अंगदेश में बारिश हो गई। लेकिन सबके सब जानते थे ये बात पता लग जाएगी, क्योंकि जब शाम को पहुंचेंगे वोमडक ऋषि विपंडक ऋषि वहां पर उनका बेटा होगा नहीं, और वो ध्यान ला के देख लेंगे सारा किस्सा हुआ क्या है, और फिर वो यहाँ पर आएंगे श्राप स्वरूप दे करके पूरे अंगदेश में ना बारिश के बाद सबको जला के राख कर देंगे वो। तो इसके ट्रबल शूटिंग कैसे की जाए, तो फिर रोमपद महाराज का एक तरीका है, ये जो शांता है जो कि मैं दशरथ महाराज से लेकर के आया हूँ, इस शांता के विवाह इनसे कराए थे, अब इनका जो है विवाह करा दिया गया। इनका जो विवाह हो गया, अब विवाह चल रहा था, सात फेरे हो रहे थे,
विपंडक ऋषि जो है वहां पर आए तिल मिलाते हुए, कहाँ है मेरा पुत्र? वो देखा वो सात फेरा ले रहा है, सिंदूर भर रहा है, मांगा। हेलो, मैं सोचा था ये तो भाई माया छुए ना, ये तो पूरा हो गया है। कहता तो बस उसका रोमपद महाराज ने कहा, देखिए अब शादी हो ही गई है, अब शुभ अवसर है, इसमें क्या गुस्सा करना, अब शांत हो जाइए, अब अच्छा मौका है, देखिए अब इतना बढ़िया आपका बेटा है, अब बेटिया हमारी ब्याह गई है, और जय मैं तो उसको अब यहाँ का राजा बना रहा हूँ, अब देखिए हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हम क्यों अब तो भजन वगैरह करेंगे, वृंदावन जाएंगे, भक्ति शास्त्री करेंगे, अब हमारा क्या, अब यही है, यही राजपाट संभालेगा, और क्या, आप देखिए अब ये सब आप ही का है, आप गुस्सा करना जी, शादी हो गई है, फेरे हो गए हैं, सब देखिए प्रसाद वगैरह पा रहे हैं, अब क्या क्रोध। मंडक ऋषि ने कहा ये तो मतलब सारा प्लान ही कुछ और हो गया, ये तो इस प्रकार से ऋषि श्रृंग नाम के ये व्यक्ति हुए। अब एक और जो यज्ञ था जिसकी बात चल रही थी, भला किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो, तो अश्वमेध यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो सुमंत्र नाम के जो मंत्री थे दशरथ महाराज के, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ के बजाय आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ की भी यही कंडीशन थी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ वो करेगा जब जिसने कभी जन्म के वक्त अब स्त्री का चेहरा ना दिखाओ, अगर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा तो दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अच्छा तो ऐसा व्यक्ति कहां, कहते हैं ना आपके मित्र है ना रोमपद महाराज, उन्हीं का जो जवाई है, क्या बोले उन दामाद, हाँ उनके चरण बढ़ते ही रोमपद महाराज के साम्राज्य में अंगदेश में बारिश हो गई थी, वर्षा हो गई थी, तो इसी प्रकार से अगर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो फिर हो सकता है ऐसा, तो फिर ये संभव है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ, फिर ये ऋषि श्रृंग को इनको बुलाया गया, इनकी बेटी भी आई, शांता भी आई, देखा भाई। अब दशरथ महाराज सोचा एक्चुअली देखा जाए ये दामाद तो मेरा भी हो कि शांता है कौन, मेरी पुत्री है, रोमपद महाराज की तो गोद ली हुई पुत्री थी, ये तो नहीं खुद की पुत्री है, तो ऐसे देखा जाए इनका दामाद है, तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट करने में अब उनको कोई हिचकिचाहट भी नहीं हुई कि हमारे यहाँ पर आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। अब उन्होंने कहा कि ना पुत्र कामेष्टि यज्ञ में क्योंकि हर चीज बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, सो एज अ मैटर ऑफ रिहर्सल्स फॉर एक्यूरेसी कि हर चीज एकदम टकाटक हो, इसके लिए हम एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, फिर उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। अब अश्वमेध यज्ञ जो है उसकी तैयारी वगैरह बहुत अच्छे से होने लगी। अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें एक्यूरेसी की टेस्ट क्या होता है कि अगर उसमें एक भी मिस्टेक होती है अश्वमेध यज्ञ करते हुए, तो अश्वमेध यज्ञ के आसपास ब्रह्म राक्षस घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, एक मिस्टेक हुई ना तो जो करने वाला है और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबकी ऐसी तैसी करके कर देंगे, सबको भस्म कर देंगे वो अश्वमेध यज्ञ, इसलिए अश्वमेध यज्ञ इस बैंड इन कलयुग, नहीं तो सबके सब ब्रह्म राक्षस के द्वारा खा लिए जाएंगे, तो अश्वमेध यज्ञ जो है बैंड है इसलिए। तो उस वक्त अश्वमेध यज्ञ में जितने भी मंत्री थे उनके सबॉर्डिनेट से सबके सब जो है नजर रखे हुए थे, एक एक चीज एकदम पक्की होनी चाहिए, और इस प्रकार से जो अश्वमेध यज्ञ था वो फ्लॉलेसली एकदम बिना किसी गलती के हो गया। इसके बाद अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ की बारी आई, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी प्रिसिशन के साथ, पवित्रता के साथ, एकदम सटीक तरीके से ये यज्ञ भी हुआ। तो जब ये यज्ञ वगैरह भी हो रहा है, ठीक है, अब इसके पैरेलल हम एक और स्टोरी में चलते हैं जो कि इसके पैरेलल ही चल रही थी, और वो ये स्टोरी थी कि उस वक्त राक्षस जो थे बड़े वीक पड़ गए थे देवताओं के आगे, तो राक्षसों में एक व्यक्ति थे उनका नाम था सुमहली, उन्होंने प्लान ये बनाया था कि हम राक्षसों के पास शक्ति बहुत है लेकिन ये ब्राह्मणों का जो तेज है ना ये बहुत जबरदस्त है, अगर ऐसा हो ब्राह्मणों का तेज मिल जाए हमारी शक्ति मिल जाए, ये कॉम्बिनेशन से जो पुत्र प्राप्त होगा ना वुड बी अनकॉन्करेबल चैंपियन, तो ऐसा होना चाहिए। अब ब्राह्मणों में सोच रहे सबसे ज्यादा बेहतरीन ब्राह्मण बना कौन सा है, तो विश्ववास करके एक ब्राह्मण थे, बहुत ही पवित्र थे, बहुत ही तपस्वी थे, तो उनसे अगर मेरी बेटी कैकशी का अगर विवाह करा लेते हैं तो फिर उनसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वो अद्भुत होंगे, सारे से बहुत शक्तिशाली होंगे, देवी देवता भी उनको जीत नहीं पाएंगे, इतने शक्तिशाली वो होंगे, तो ये उनकी योजना थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कैकशी को भेजना शुरू किया टू टेम्प्ट विश्ववास, तो ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया, तो जो जाती थी उनको रिझाती थी, और अपने पवित्र चरित्र से, हालांकि उनकी इंटेंशंस खराब थी, पवित्र चरित्र से उन्होंने काफ़ी इंप्रेस भी किया। तो विश्वास ने उनसे फिर फाइनली कह दिया कि आप क्या चाहती हैं, आप जो चाहती हैं बताइए मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने फिर ये मांग लिया कि मैं आपकी पत्नी के रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला तो विश्वास ने जो है उनका मन पढ़ लिया, अच्छा क्या ठीक है, क्योंकि अब आपने मुझसे मांगा है कि आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं तो ठीक है मैं आपसे विवाह करूंगा। और विवाह होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि आप चाहती थी कि आपको बहुत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो,
तो आपको शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन सबके सब राक्षस ज्यादा होंगे, ब्राह्मण कम होंगे, ऐसा होगा। तो इस प्रकार से उनके बाद उनको रावण, सबसे पहला जो पुत्र प्राप्त हुआ वो था रावण। जब रावण का प्राकट्य हुआ, जब प्रकट हुए, उस वक्त आसमान से हड्डियां गिरी, मल गिरा, मूत्र गिरा, इतना अशुभ था वो आसपास का समय। रावण, रावण का मतलब ही जो कि सबको रुलाने वाला है, रावण होगा इसका नाम। और इसका नाम और बाकी नाम रखा दशानन, क्योंकि इसके 10 सर भी थे, 20 भुजाएं थी, इसके बड़े शक्तिशाली थे, और जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही बड़ा भी हो गया। इसलिए ना रावण की वो बाल लीला नहीं है कि वो क्रॉल कर रहे हैं अपने 20 हाथों से, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई लीला नहीं है। रीजन बीइंग, वो पैदा होते ही बड़ा भी हो गया, दैट वाज रावण। दूसरा पुत्र जो प्राप्त हुआ वो था कुंभकर्ण। क्यों? क्योंकि जो कर्ण थे कुंभ के समान बड़े थे। वैसे जो कान होते हैं वो ज्ञान लेने के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञान की ओर तो इनका रुझान था नहीं, तो इसीलिए बड़े बड़े कान तो थे लेकिन वो कुंभ के समान थे, बड़े मटकी की तरह। मटकी क्या, मटकी कोई ज्ञान को स्वीकार नहीं करती, तो इसलिए भौतिक ज्ञान था और लेकिन विशाल काय। और कुंभकर्ण के रास्ते में जो भी आएगा उसको खा जाएगा, कुछ भी, चाहे वो जीवित हो अजीवित हो, चाइनीज को भी पीछे छोड़ दिया, जो भी रास्ते में आएगा कुंभकर्ण उसको खा जाएगा, ऐसा शक्तिशाली कुंभकर्ण। अब जो देखा उन्होंने इतने विकराल ये पैदा हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक बेटी भी हुई इनको, शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब क्या है? शूर्पणखा वाला शार्प, इंग्लिश में ये आता है ना शार्प, इट केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड शूर्प, शूर्प से आया शार्प। तो शार्प नख वाली, ना सिर्फ नख बड़े शार्प थे बल्कि सारे फीचर्स बड़े चिमखड़ जैसे थे उसके, शूर्पणखा के, शूर्पणखा के सारे फीचर्स जो थे ना बहुत ही ऐसे थे ना, बड़े शार्प फीचर्स वाले होते हैं कुछ। तो शूर्पणखा ऐसी थी, नाक उसकी ऐसी वैसी, आंखें जो है ऐसी, और नाखून भी उसके चिंखड़ जैसा, सब कुछ चिंखड़ चिंखड़ जैसा था उसका शूर्पणखा का। है होती है कोई लड़कियां ऐसी होती, चिंखड़ सी जो होती हैं। तो कैकेयी ने देखा ये सारे ये उत्पाद हुए के बाद एक, मतलब वो खुद ही हालांकि राक्षसी थी लेकिन इनकी राक्षसपंथी देखकर वो भी घबरा गई, कहते ये एक रावण, एक कुंभकर्ण और ये शूर्पणखा। और इस तो कैकेयी ने सोचा, मतलब ये मैं ब्राह्मण वाला कुछ है ही नहीं हिसाब किताब। तो विश्वास ने बोला, मैंने बोला ही था कि इसमें ब्राह्मण वाला कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी प्रजाति वाले होंगे सारे सारे। और कहते हैं अरे कोई तो ढंग का भी हो कुछ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं उस भावना से मैंने आपसे विवाह किया, आपको टेम्प्ट किया, आपको प्रसन्न किया, मुझको क्षमा कर दीजिए, कुछ कुछ ढंग का माल भी तो हो। तो उसके बाद फिर प्रकट हुए विभीषण। तो विभीषण, भीषण का मतलब होता है भय, विभीषण मतलब बहुत ज्यादा भय। अच्छा किससे ज्यादा भय है उनको? मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, मैं कभी शास्त्रों का उल्लंघन ना कर दूं। यह हमेशा जिनको भय रहता है वो है विभीषण। तो कुंभकर्ण जिनके कर्ण कुंभ के समान है, रावण मतलब सबको रुलाएगा, जो शूर्पणखा जो कि चिमखड़ जैसी होगी, नाखून इसके बड़े शार्प होंगे। तो हरि का नाम भी रखा गया था तो उसके चरित्र के हिसाब से रखा गया था, और विभीषण का नाम विभीषण, भीषण मतलब जो भयभीत रहेगा हमेशा, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई पाप ना हो जाए। जैसे जो भय बड़ा अच्छा रहता है भक्त के लिए, मुझसे गलती ना हो, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे गुरु दुखी हो, मेरे से ऐसा कार्य ना हो जिससे गुरु जो है उनको शर्मसार होना पड़े, मैं ऐसा कोई काम ना कर बैठूं, मैं शास्त्रों का उल्लंघन ना कर बैठूं, मैंने जो दीक्षा के वक्त जो वादा किया था 16 माला का, मैं इससे मेरे वो टूट ना जाए, चार नहीं मेरे से टूट ना जाए। ये भय बहुत अच्छा भय है, पॉजिटिव फियर। तो इस पॉजिटिव फियर भीषण बहुत ज्यादा हो तो है विभीषण। तो इस प्रकार से ये चारों इनको पुत्र के रूप में इनको प्राप्त हुए। और उस वक्त जो थे ये फिर इनको लंका में लेके गए, और लंका जो थी उस वक्त, अभी लंका में अब वहाँ पर देवी देवता आया करते थे फॉर सम पिकनिक, फॉर मनोरंजन वगैरह, वो इसके लिए आया करते थे। तो अभी लंका में जो अभी इनका राजपाट अभी नहीं है, हालांकि ऐसा अभी रावण बड़े होकर के अभी राजपाट संभालेगा। साथ ही जो विश्वास थे इनकी एक और पत्नी से भी इनको पुत्र हुए थे, वो तो कुबेर। और कुबेर कौन हुए? जो देवी देवता है उनके खजांची हुए, जो ट्रेजरी संभालने वाले जो डेमिगॉड है। तो हालांकि जो कुबेर थे उनका रहता था कि हाँ भैया मेरे भाई बहन ही हैं, मेरी जो सौतेली माँ है उनके उनके बच्चे हैं, तो इसलिए उनके साथ संबंध बनाने की बड़ी कोशिश रहती थी, लेकिन रावण कुंभकर्ण शूर्पणखा के साथ कभी जो है उनका संबंध हो ही नहीं पाया, कभी मित्रता हो ही नहीं पाई ना।
नेवर। विभीषण के साथ फिर भी उनको बड़ा अच्छा संबंध था उनका, लेकिन हुआ क्या, उनकी जो दोनों वाइफ थी विश्वास की, उनके बीच में क्योंकि हमेशा झगड़ा रहता, तो इसलिए दोनों को अलग होना पड़ा। तो इसलिए फिर कुबेर अलग हो गए और ये जो बच्चे थे अलग हुए। अब ये जो है फिर फाइनली अभी लंका की ओर इनको प्रस्थान करने का है। तो लंका, अब लंका जो है वैसे तो हालांकि ये स्थान था जहां पर कि देवी देवता आया करते थे, विहार क्या करते थे, क्योंकि बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर स्थान था ये लंका। लंका जो है ये प्रकट कैसे हुई थी लंका, यहां पर एक्चुअली ये मेरु पर्वत का हिस्सा है। कैसे हुआ क्या, दो गंधर्व थे, दोनों बातचीत चल रही थी, कहता है अरे वायु ज्यादा शक्तिशाली है, दूसरे का ना ना वासुकी ज्यादा शक्तिशाली, कहता है अरे नहीं नहीं वायु ज्यादा शक्तिशाली, अरे वासुकी वायु, वासुकी थे जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो रस्सी वही बने थे, इसलिए उन्हें बहुत दम है भाई। और क्या, जब प्रलय हुई थी ना तो उस मनु महाराज को बोट में लेकर के जब गए मत्स्य अवतार, तो जो रस्सी बने थे वो वासुकी बने थे, तो जितने भी हरकुलियन टास्क होते हैं वो वासुकी जी करते हैं, अरे नहीं जो मुख्य प्राण है ना वायु उनमें वो ज्यादा शक्तिशाली है। कहता है चलो वैसे ऐसे करते हैं, फिर कंपटीशन लगा लेते हैं कौन जीतता है। अब ये जो है, अब ये बात चली रही थी तो वायु प्रकट हो गए, कहता है अरे भाई आप लोग शर्त लगा रहे हो, कहा है कंप्यूटर को लेकर, क्या हमारे शक्तिशाली कौन हुआ। तो दोनों फिर वासुकी को बुलाया गया, वासुकी वहां पर आए, तो फिर दोनों ने फिर सबने रिक्वेस्ट की, जाकर रिक्वेस्ट करते हैं मेरु पर्वत से, मेरु को जो है चारों तरफ से अच्छे से वासुकी बांध लेंगे, अगर तो मेरु को घुमा दिया वायु ने तो मान लेंगे वासुकी से ज्यादा शक्तिशाली है वायु, और अगर नहीं घुमा पाए यानी कि वासुकी ज्यादा शक्तिशाली है वायु से, तो देखते हैं दोनों में कौन जीतता है। तो इस प्रकार से अब इन्होंने कॉयल बना ली वासुकी ने मेरु के चारों ओर, और प्रचंड रूप से उनको घुमाना है, उनको मूव करने का प्रयास कर रहे थे वायु। अब ये दोनों तरफ से कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन ऐसी तैसी हो रही थी मेरु की, कहते हैं तुम दोनों तो लगे हुए कौन जीतता है कौन जीतता है, भाई मेरा क्या हाल हो रहा है। तो उनके पर्सोनिफाइड ब्रह्मा जी के पास बताया, कहते हैं प्रभु ये इनको समझाइए, ये दोनों तो लगे हुए हैं कौन जीतता है कौन जीतता है, दोनों पंजा लड़ा रहे हैं, लेकिन पंजे के बीच में हूं तो मैं, पिस तो मैं रहा हूं, जीते कोई भी हारूंगा तो मैं ही। तो ब्रह्मा जी वहां पर कहते हैं अरे भाई देखो आप दोनों शक्तिशाली हो, दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, इसलिए ये कॉम्पिटिशन छोड़ दो। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो फिर वासुकी जी ने अपने आप को अनकॉयल किया, जब अनकॉयल किया तो ये सारे जद्दोजहद के अंदर उनका एक छोटा सा टुकड़ा जो है टूट करके समुद्र में गिर गया। तो उसकी तीन ऐसे चोटियां थी, तो वो कहलाया त्रिकूट, त्रिकूट माउंटेन। तो त्रिकूट में जो सेंट्रल वाला सबसे पीक था, उसमें बाद में जाके फिर रावण ने अपना बंगला बनाया था त्रिकूट। तो इस प्रकार से रावण ने वहां पर रहना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब तीन और चारों जो थे सबके सब तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे, घनघोर तपस्या करके ऐसे से वर मांगेंगे कि उसके बाद फिर पूरे ब्रह्मांड में हमारा राज होगा। तो रावण घनघोर तपस्वी, एक के बाद एक सर काटे जाए, आखिरी सर जब काटने वाले थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहते हैं सर यू आर टू फास्ट टू गुड, क्या चाहिए, कहते बस हमें तो एक ही वरदान चाहिए अमरता। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो जो मैं खुद नहीं हूं मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो देवता, किन्नर, राक्षस, गंधर्व और नाग इत्यादि, इन सबसे मेरी मृत्यु ना हो। ओके तथास्तु। अब जब उन्होंने तथास्तु बोल दिया, देवताओं ने कहा लो जी अब गए, ना कोई देवता ना कोई संत ना ऋषि ना गंधर्व ना किन्नर ना नाग, कोई इनको मान नहीं सकता। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको जो है आंख मारी, कहते हैं इसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ना एक व्यक्ति को इंक्लूड नहीं किया, इन्होंने मनुष्यों को और वानरों को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि रावण को लगा अब कमवान वरदान में इन लोगों को मांगूंगा मैं, मनुष्यों से न मरूं, ये चिलगोजे कहीं के इनसे क्या। ओवर कॉन्फिडेंस में भाई साहब ने क्या किया, ये मानवों को और वानरों को इंक्लूड ही नहीं किया। तो फिर जो है तो ब्रह्मा जी ने उनको आंख मार दी, देवताओं को चिंता मत करो ये मिस्टेक कर चुका है। उसके बाद फिर कुंभकर्ण से मांगा, कुंभकर्ण को क्या चाहिए, कुंभकर्ण की सीधे छती मैं मांगूंगा इंद्रासन। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला ब्रह्मा जी ने, कहते इसकी जुबान में बैठ जाओ तो ट्विस्ट मार दे इसी जुबान को। तो उसने तो जैसे बोले वाला इंद्रासन, उसकी जुबान से निकल गया निद्रासन, और ब्रह्मा जी ने तुरंत बोल दिया तथास्तु। वो तथास्तु हो गया, उसको नींद आनी शुरू हो गई, कहते ये मैंने क्या मांगा, कहते तूने निद्रासन, ओ निद्रासन अरे वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, ओहो इतनी तपस्या करने के बाद अरे ब्रह्मा जी ये मैंने क्या मांग लिया, ये तो अरे कुछ तो कुछ कर दो इसमें भी। कहते ओके ठीक है, 6 महीने सोएगा 6 महीने जगेगा,
लेकिन 6 महीने सोने के बाद तू जो भी युद्ध लड़ेगा उसमें तेरे को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 6 महीने सोते वक्त उससे पहले किसी ने उठा दिया तो उसमें तेरी हार हो सकती है फिर भी। नहीं तो 6 महीने बाद उठ करके, 6 महीने तो सोएगा लेकिन, और 6 महीने तक ऐसी निद्रा होगी लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली कितने ढोल वोल बजा लें, कोई पीट पीट ले, धूम धूम धाड़ धाड़ धूड़, कुछ नहीं असर होने वाला भाई कुंभकर्ण की नींद के ऊपर। कुंभकर्ण को जगाने का एक ही तरीका था कि अगर 10 लाख लोगों की सेना उसकी छाती पे नाचेगी अगर, तो जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 6 महीने की पूरी खुराक खाएगा, ऐसा कुंभकर्ण का होगा। और जिन्होंने जगाया उसमें से आधी आर्मी को मार देगा, ऐसा था कुंभकर्ण के साथ। तो इसलिए कोई जगा देने कहता है 6 महीने सो रहे हैं, 6 महीने अपने बाद अपने आप ही उठें, तो बीच में अगर उठाना आएगा तो चाहिए 10 लाख लोगों की आर्मी चाहिए जो उनकी छाती पे डांस वांस करे, हो हा हा करे, तब जाके वो कुंभकर्ण जाएगा। तो फिर इस तरह से इनको ये हो गया। और फिर शूर्पणखा से मांगा, अच्छा शूर्पणखा तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? शूर्पणखा ने कहा मैं जो भी चाहूँ, अपना रूप बदलना चाहूँ मैं रूप बदल सकूँ, मैं बाहर से कितनी सुंदर होना चाहूँ मैं हो जाऊँ, अंदर से मैं चिमखड़ रहूँगी लेकिन बाहर से मैं जो भी सुंदर रूप धरना चाहूँ मैं धर सकूँ। तो अंदर से तो उसका हृदय बड़ा मलिन था लेकिन भारी सुंदरता के लिए अलग अलग रूप धरने का उसने वरदान मांग लिया। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ये बिन को मिल गया। उसे विभीषण की बारी है, विभीषण तुम्हें क्या चाहिए? अब सबको उम्मीद थी ये भी कुछ ना कुछ मांगेगा जो कि राक्षसों को आगे बढ़ने में हेल्प करे, कुछ ऐसा मांगेगा विभीषण, तो सस्पेंस था। तो लेकिन विभीषण ने मांगा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं कभी भी हरि भक्ति से च्युत ना हूँ और मैं हरि भक्ति में हमेशा लगा रहूँ, चाहे कैसी परिस्थिति हो कैसा वातावरण हो लेकिन हमेशा हरि भक्ति मेरी बढ़ती रहे, मेरा विष्णु से नारायण से मेरा प्रेम हमेशा बढ़ता रहे। तो उन्होंने कहा इतनी तपस्या करके क्या तू क्या मांग रहे हैं, सबने देख कितना समझदारी का काम किया, तू क्या कर रहा है? कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, तो इसलिए मेरे को हरि भक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से इनको हरि भक्ति प्राप्त हो गई। अब रावण जो है, अब इसको इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी, अब तो रावण का मतलब बोलबाला चारों ओर था, इतना कि जितने भी देवी देवता थे सब नौकर बना के रखे हुए थे, जितने गार्डन थे उन्हें पानी कौन देगा? कहता वरुण पानी निकाल और घूम, स्प्रिंकलर बन। तो फिर जो वरुण थे उनमें से पानी निकलता था और वो घूमते थे, और रावण के गार्डन में पानी देंगे वरुण देंगे जी, खाना कौन बनाएगा? कहते अरे अग्निदेव, अग्नि जला। ठीक है, और कुक को बोला हुआ था तू एक कान जो घुमाएगा तो उससे सिम भी होगा फुल ऑन, तो जितनी आग चाहिए ना वो इसका कान घुमा है इसका, तो अग्नि का जो है कान घुमाएंगे, कान ऊपर नीचे करेंगे तो मुंह से ज्यादा अग्नि निकलेगी, मुंह से कम अग्नि निकलेगी, और कभी आगे पीछे गया तो भाई कहते तो ये जो है ये स्टोव बने हुए थे उनके किचन का स्टोव, अग्निदेव ये किचन के स्टोव है उनके। जो इंद्र है, इंद्र को जो है साफ सफाई के लिए रखा हुआ था, डस्टिंग के लिए रखा हुआ था, सैनिटाइजेशन के लिए, कोई अंदर आया उसको सैनिटाइज करना है उसको, ये इंद्र का हाल बना के रखा हुआ था। जितने भी वहां पर देवी देवता थे, जितने भी जो सॉरी जो प्लैनेट्स थे, होते ना राहु, राहु को तो उल्टा टांग के रखा हुआ था, दीवार की ओर चेहरा किया हुआ था उसका, उल्टा टांग दिया उसको, कहता कहीं पलटना नहीं बेटा और दीवार को देखते रहे, ठीक है हमारी ओर नहीं देखना, देखो जिसकी ओर तू देखता उसकी बैंड मच जाती है, वहां देखता रहे चल। और जितने भी बाकी जो नक्षत्र वगैरह थे इनको सीढ़ी बना के रखा था, इन पे पांव रख करके अपने सिंहासन में बैठता था रावण ऐसा। तो जितने भी थे सबके सब जो है इस प्रकार से कांपते थे, रावण का ये ऐश्वर्य था, ये वैभव था। रावण का जो बुरा समय भी आया था वो तब आया था, तो एक समय जो शनि है ना, शनि का मुंह ठीक से नहीं झुका हुआ था, कहते सर झुका अपना, तो सर जो ठीक से जब नहीं झुका रहे थे तो कस के लात मारी शनि के सर पे, कहते को बोल रहा हो ना जब सीढ़ी बना हुआ ना तो सही से सीढ़ी बन, नहीं तो डीवीडी बना दूंगा तेरे को मैं। तो जब ताना वाना मार के लात वात मारी तो शनि ने उसको ऐसे करके देख लिया उसको। अब शनि की जब नजर पड़ जाती है ना फिर उसकी दिन फिर बढ़िया हो जाते हैं, फिर उसके तब से जो है फिर शुरू हो गया था, वो सीता मैया के पास जाएगा, देश जहर हरण वर, वो खैर बाद में लीला आएगी, पर शुरुआत ऐसी। तो ये लेकिन नक्षत्रों का यह हाल बना के रखा था उस वक्त, तो सबका ये हाल था, कोई पानी दे रहा है, कोई स्टोव बना हुआ है, कोई झाड़ा, कोई जो है साफ सफाइयां कर रहा है, कोई उनकी सीढ़ियां बना हुआ है, कोई डीवीडी बना हुआ है, बहुत बुरा हाल था बेचारे देवी देवताओं का, इतनी दरिद्र अवस्था में थे सारे सारे देवी देवता, इतनी ईगो हर्ट हो रही थी कहाँ वहां पर, और कहाँ ये नौकरों की जिंदगी,
बना के रखी थी, रावण ने बुरा हाल मचा के रखा था इन लोगों का। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो है बहुत दुखी थे, और उन्होंने जो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे तो कहते थे देखिए ब्रह्मा जी क्या हो रखा है, आपने क्या वरदान दे दिए, क्या हाल हो रखा हम लोगों का, कब निकलेंगे हम यहाँ से, कोई हमें सैलरी मिलती नहीं है, कोई इंक्रीमेंट है नहीं है, कोई पर्क्स मिलती नहीं है, यहाँ पर ही हम झाड़ फूकी कर रहे हैं, साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, इसके लिए स्टोव जला रहे हैं, स्प्रिंकलर बने हुए हैं, ये हमारा हाल हो रखा है हमारा। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर जब निवेदन किया तो फिर वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु का आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी मैं प्रकट होने वाला हूँ, ठीक है, अभी पुत्र कामिष्ठ यज्ञ चल रहा है पैरेलली, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी मैं प्रकट होने वाला हूँ। नहीं तब तक आप जो देवी देवता है अपने आंशिक रूप में आप लोग विस्तार करिए और वानरों के रूप में प्रकट होइए, और मैं वानर सेना को लेकर के फिर रावण के ऊपर हम आक्रमण करेंगे सही समय आने पर, तो लीला शुरू होगी, आप चिंता मत करिए। तो सूर्य थे वो सुग्रीव बन गए, जो इंद्र थे वो वाली बने, जो कुबेर थे वो नील बने, बृहस्पति वो तरु नाम के वानर बने, वरुण थे वो सुषेण बने, और वायु ने हनुमान जी के रूप में अपना विस्तार किया, और जो ब्रह्मा जी थे खुद जामवान के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसा नहीं ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई आप लोग वानर रूप में आ जाओ, मैं चल रहा हूँ, मैं अपना वहीं पर रहूंगा ब्रह्मलोक, ना ना ना, उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ली, ही वॉज द एडवाइजर ऑफ ऑल द मंकी आर्मी, जितनी भी वानर सेना थी उनके एडवाइजर खुद जामवान, खुद ब्रह्मा जी वो खुद थे। तो इस प्रकार से सबने जो है अपने अपने स्थान पर जन्म लेना शुरू कर दिया, जितनी वानर सेना थी अब ये सब, और ये बहुत शक्तिशाली वानर थे, वैसे वानर जो होते हैं छोटे मोटे, ये विशाल का वानर थे और बहुत शक्तिशाली थे, मतलब खाते थे तो पूरा पेड़ उखाड़ करके भुट्टे की तरह खा जाते थे उसको, बहुत शक्तिशाली। तो इस प्रकार से वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस, मतलब कितने वानर सेना थी उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब भगवान राम वानर सेना के पास पहुंचेंगे, कि उसके लिए वाल्मीकि जी ने एक काउंटिंग सिस्टम डिवाइस किया ये बताने के लिए कि कितने वानर थे, इतने सारे वानर थे। उसके बाद भी चर्चा करेंगे पृथ्वी का, तो लेकिन इतने सरफेस पे इतने सारे वानर कैसे आ जाएंगे, दिस इज नॉट लॉजिकल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार से ये सब के सब तैयारी करना शुरू कर दिया इन लोगों ने वानर के रूप में। अब पैरेलली जो है क्या हो रहा था, पुत्र कामिष्ठि यज्ञ जब पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, आखिरी आहुति डल गई, आखिरी आहुति डलते ही उनमें से यज्ञ पुरुष विष्णुदूत वो प्रकट हुए, जिनका ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन था लेकिन बहुत ही तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, उन्होंने काले और रेड कलर के कपड़े जो अपने चारों ओर पहने हुए थे, और उनके हाथ में एक मटकी थी जिसमें खीर थी, बहुत बड़ी मटकी थी वो, क्योंकि यज्ञ पुरुष बहुत बड़े थे, उनके हाथ में मटकी थी, वो मटकी उन्होंने अपने हृदय से लगा के रखी हुई थी, और ये देख करके उनका, उनकी आंखें बहुत गहरी थी, बहुत उनका जो रूप रंग देख करके सबके सब मतलब भावव्याकुल हो गए कि इतना दिव्य पुरुष हमने कभी देखा नहीं, विशाल काय। तो पुत्र कामिष्ठि यज्ञ करने वाले ऋषि श्रृंग ने कहा कि अब आपके हाथ में ये जो मटकी है, खीर की मटकी है, ये दशरथ महाराज को दे दीजिए। तो जो इतनी बड़ी मटकी थी, उस मटकी को जब उन्होंने हैंड ओवर किया दशरथ महाराज को, तो मटकी छोटी हो गई और उतने साइज की होगी एज ए जो कि दशरथ महाराज आराम से कैरी कर सके। तो दशरथ महाराज ने फिर इसको लिया और इसको लेकर के अपनी जो तीन प्रिंसिपल क्वींस थी, कौन कौन, कौशल्या, कैकई एंड सुमित्रा, इनको दिया। तो सबसे पहले उसमें से आधा पोर्शन उन्होंने दिया कौशल्या को। तो कौशल्या तो वेट ही कर रही थी कब वो समय आएगा कि ये यज्ञ पूरा होगा और फिर यज्ञ पुरुष प्रकट होगा। तो फिर जैसे ही खीर आई, उन्होंने तुरंत जो है आधी जो खीर थी वो उसका पान कर लिया, और तुरंत शी कुड फील कि हाँ उनके अंदर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति ने प्रवेश किया है ऐसा। अब बची जो आधी हुई थी, वो जो आधी थी उसमें से अब नेक्स्ट था सुमित्रा की बारी। तो सुमित्रा को दिया, उसमें से आधा पार्ट जो है सुमित्रा को दिया, यानी 1/4 सुमित्रा को दिया, बाकी हुआ जो 1/4 था वो दिया कैकई को, उसमें से जो आधा था वो कैकई ने खाया, यानी 1/8 अभी बच गया। तो कैकई ने भी जो तुरंत खा लिया, लेकिन सुमित्रा जो है कृतज्ञता के भाव में कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ और यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट हुए और वो ये दे रहे हैं खीर के रूप में। तो इसलिए जब कैकई ने भी तुरंत पान कर लिया, देखते हुए कौशल्या ने जल्दी जल्दी पान किया, तो उन्होंने तुरंत पान कर लिया कि देखो कौशल्या ने जैसे लिया वैसे मेरे को भी लेना चाहिए, तो कैकई ने भी ले लिया। लेकिन सुमित्रा अभी उनके पास उनका 1/4 है और इनका 1/8 अभी और बचा हुआ है, क्योंकि 1/4 जो बाकी बचा था उसमें से 1/8 आधा लिया, तो 1/8 अभी बचा हुआ है। तो ये जो 1/8 था ये भी दशरथ महाराज ने फिर सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा जी के पास 1/4 वाला भी है और अब 1/8 वाला भी है। तो जो 1/4 वाला जब उन्होंने लिया, तो उनसे लक्ष्मण जी उनको प्रकट होंगे। अब
और जो 1/8 वाला है उसे शत्रुघ्न आएंगे, और जो कैकेयी थी जिनको मिला था 1/4 उसे भरत जी आएंगे। तो इस प्रकार से इनमें ये डिवीजन हुआ। और कुछ जगह पर ऐसा भी आता है कि अब जब मटकी जब सारी हो भी गई, जब बट गई थी, इसके बाद वहां पर एक सेलेस्टियल ईगल आया, उसने वो मटकी उठाई जो बची हुई थी, वो जिसमें लगा हुआ था अभी खीर लगी हुई थी उसके अंदर और उसके दीवारों पे, उसको लेकर के चली गई। उसको लेकर के जब वो गई तो उसने वो जो जहां ड्रॉप किया वहां पर थी अंजना जी, यानी हनुमान जी की होने वाली मदर। उन्होंने कहा ये खीर, तो फिर दिव्य आकाशवाणी हुई, ये खीर जो है ये दिव्य प्रसाद है यज्ञ पुरुष का, ये आपके लिए है। तो उसका उन्होंने जो उसको पान किया जो बचा हुआ था, उससे फिर उनको प्रकट हुए हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है इसीलिए बहुत ही विशेष है, हनुमान जी के ऊपर भी हम कभी कथा करेंगे नो डाउट, क्योंकि उनके अंदर यज्ञ पुरुष की खीर भी है और साथ ही जो रुद्र है शिव जी जो है उनका भी विस्तार है इनके अंदर। और साथ ही एक समय पवन देव जो थे, हुआ कहते जब ये मोहिनी मूर्ति वाली जो लीला हुई थी, जब मोहिनी मूर्ति आगे आगे हैं शिव जी पीछे पीछे हैं, तो शिव जी का जो वीर गिर रहा था तो पवन देव ने उस वीर को लिया और इस वीर को लेकर के स्थापित कर दिया अंजना जी के घर में। तो इसीलिए शिव शक्ति भी है, और क्योंकि पवन देव ने क्योंकि डाला इसको पवन पुत्र भी कहलाए, और क्योंकि अंजना जी के घर में डाला तो इसीलिए अंजनी नंदन भी कहलाए। तो इस प्रकार से केसरी थे केसरी नंदन, यानी उनके अंजना के हस्बैंड, केसरी नंदन भी कराए, अंजना नंदन कहलाए, पवन पुत्र भी कहलाए और रुद्र अवतार भी कहलाए हनुमान जी। ऐसा बाकी हनुमान जी का नाम क्यों पड़ा वो उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उनकी क्या लीला हुई थी, क्या फल खाने गए थे, फिर क्या हुआ उनके साथ, दैट विल कम इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से ये जो खीर थी इनमें बटी और 12 महीने तक ये सब प्रेग्नेंट रही, क्योंकि भगवान है कुछ ना कुछ अलग करेंगे ना, 9 महीने वाला काम नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर 12 महीने। तो 12 महीने के बाद 9वीं के दिन भगवान प्रकट हुए। 9वीं का दिन था, चैत्र का महीना था और पुनर्वसु नाम का स्टार था उस वक्त नक्षत्र। तो ये अदिति का नक्षत्र है बेसिकली, पुनर्वसु। दिति का मतलब बांटने वाली, अदिति का मतलब जोड़ने वाली। तो जोड़ने वाले स्टार उस नक्षत्र में पुनर्वसु, उनमें श्री राम का प्राकट्य हुआ। साथ ही नवमी के दिन 9 जो है बहुत ही स्थिर नंबर है, 9 बड़ा ऑस्पिशियस नंबर है, इसे हम देते कोई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 9 इज ऑस्पिशियस। 1/8 18 18 अध्याय, 108 1/8 18 1008, तो इसलिए 1/8 9 इज वेरी ऑस्पिशियस नंबर। भगवान की शक्तियां 9 9, तो इसीलिए जो 9 नंबर है बड़ा ऑस्पिशियस है। 9 1 9 9 2 18 1/8 9 9 3 27 2 7 9 9 4 36 3 6 9 9 5 45 4 5 9 कंसिस्टेंसी 9 9 9 9 9 9 9 9। तो कंसिस्टेंसी को अपने साथ लेकर के आने वाले, हर तरह से दक्ष, हर तरह से कंसिस्टेंट स्टेबल, ऐसे प्रभु क्योंकि प्रकट होने वाले हैं तो उन्होंने चुनी नवमी। तो नवमी में इस प्रकार से श्री राम का प्राकट्य हुआ। जब इनका प्राकट्य हुआ तो इतने सुंदर है श्री राम, क्योंकि बच्चा ना कभी डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है तो कभी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन का होता है तो कभी फेयर कॉम्प्लेक्शन का होता है, लेकिन ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन का बच्चा देखा नहीं था किसी ने। तो ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन है श्री राम का, उनके इतने कोमल बाल हैं जिनमें डार्क ग्रीन ह्यू है उनके बालों में, कर्ली हेयर ग्लॉसी हेयर विद डार्क ग्रीन ह्यू। सो उनकी वैसे बॉडी है लाइट ग्रीन, बाल है डार्क ग्रीन, बाल ऐसे उनके काले थे लेकिन उनकी जो ह्यू है जो उसकी जो तेज है श्री राम के बालों का दैट इज डार्क ग्रीन। उन्हें कमल नयन, उनके जो नयन है वो उनके कानों तक एक्सटेंड हो रहे थे, उनके कान बड़े सुंदर, उनके जो होंठ हैं वो लाल बड़े सुंदर उनके कान, हर एक बॉडी का जो अंग अंग था इतना सुडौल इतना सुंदर। ओह तो इसीलिए जब कौशल्या मैया ने जब देखा कि इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है उनको, तो इतने आनंद में थी कि वो भूल ही गई कि मतलब सृष्टि में और कुछ भी है, बस वो देख पा रही थी बस ये मेरा पुत्र ही है सब कुछ, इतना सुंदर पुत्र। जब दशरथ महाराज आए उन्होंने इस पुत्र को उठा के देखा, अरे दशरथ महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने इतने दान दिया, इतना दान दिया कि वो ये भूल ही गए कि खजाने में कितना कुछ है कितना नहीं है, सारा का सारा खजाना दे दिया दान में, मतलब उनके पास अब कुछ भी नहीं था। ऐसा तो ब्राह्मणों ने देखा है तो कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा दे दिया हम लोगों को,
तो बदमाश ब्राह्मण होगा ना, वो तो कहा यार बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन ब्राह्मण थे, संतुष्ट थे बड़े के बड़े। मैंने कहा अरे नहीं नहीं हम ऐसा थोड़ी करेंगे, सारा सारा खजाना दे दिया इन्होंने तो कुछ बचा ही नहीं इनके पास, तो इसीलिए हमें वापस कर देना चाहिए। तो उन्होंने वापस कर दिया, कहते देखिए जो पुत्र कामिष्टि यज्ञ में जो थोड़ा खर्चा वगैरह हुआ, थोड़ी दक्षिणा वगैरह जो होगी 51 रुपये एक से एक बहुत होता है, इतना ये सब इतना इसकी आवश्यकता नहीं है, आप रखिए इसको इतना इधर इतना नहीं। तो दशरथ ने कहा अरे नहीं नहीं आप रखिए ना। कहते देखिए महाराज अब आपकी प्रसन्नता हम समझते हैं, लेकिन लेकिन आगे राजपाट भी तो संभालना है ना, तो इसीलिए आप रखिए इसको। तो दशरथ ने कहा लेकिन ऐसे कैसे संभव है, चलिए मैं खजाना तो नहीं दे रहा लेकिन मैं आपको दूंगा। लेकिन तो फिर भी उन्होंने सैकड़ों गायें और कई सारी चांदी के सिक्के सोने के सिक्के फिर भर भर के दिए सबको, फिर भी उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा दे दिया मना करने के बावजूद भी। तो उन्होंने क्या किया, सारा जो ये दान आया था ब्राह्मणों ने आगे वशिष्ठ मुनि को और ऋषि सिंह मुनि को, इनको दे दिया कि भाई आप रख लीजिए, क्योंकि आप मुख्य ऋषि हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी, और ऋषि श्रृंग जी ने आपने क्योंकि हवन यज्ञ किया तो इसलिए आपको मिलना चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं हमें इतना क्यों मिल रहा है, आप ले लीजिए। इन्होंने वापस क्या किया, ब्राह्मणों में ही बांट दिया इसको। तो आप देखिए सबके सब यहाँ संतुष्ट हैं, क्योंकि सबके सब अयोध्या में संतुष्ट थे, इसीलिए जो दान आया भी वो आगे दे दिया, जो आगे से वापस आ गया, आगे से फिर वो और दे दिया गया, तो इसको फिर वापस आ गया, फिर ये और समय बट भी गया, सबके सब हाँ बहुत संतुष्ट है। वास्तव में जब बहुत कुछ हो ना तो दान दे करके संतोष मिलता है, जब कुछ ना हो तो उस वक्त संतुष्ट होकर के संतोष मिलता है। तो उस वक्त जितने ब्राह्मण थे सबके सब बहुत संतुष्ट थे, और सबने जो है उस वक्त दशरथ को बोला आप तो रघुनंदन हैं, आप तो स्वयं रघुनंदन हैं। अच्छा रघुनंदन, अच्छा रघुनंदन कौन, रघुनंदन जो है इन्हीं की डायनेस्टी में आए थे, रघु नाम के राजा थे, और इतने दयालु थे कि मतलब एक समय तो इन्होंने दान में अपना पूरा पूरा खजाना दे दिया था। तो एक ऋषि थे वो इनके पास आए थे इनसे कुछ दान मांगने के लिए, तो उन्होंने सोचा हालांकि मेरे पास कुछ है तो नहीं लेकिन मैं क्या दूं, तो उनका वो इस प्लान से आए थे कि मैं 40 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मांगूंगा। तो उन्होंने कोई बात नहीं हम 40 मिलियन गोल्ड कॉइन आपको देंगे, मैं कुबेर जी के पास जाता हूँ कुबेर से। तो उन्होंने बोला देखो कुबेर से अब हम प्रार्थना करेंगे कुबेर जी हमको देंगे, नहीं देंगे ना हम उसे युद्ध करेंगे। लेकिन कुबेर जी ने कहा नहीं 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 आपकी दान की भावना बहुत अच्छी है तो इसलिए आप वो चिंता मत करिए। तो उन्होंने बारिश कर दी थी उनके यहाँ पर रघुनंदन जी के यहाँ पर, तो जितना दान दिया था उसे सैकड़ों गुना उनके पास आ गया। तो उसमें से 40 मिलियन गोल्ड कॉइन्स वो जो ऋषि थे उन्होंने ले लिए थे, तपस्या करके ऋषि थे वो। तो इस प्रकार से तो ऐसे रघु जो कि दान में इतने ज्यादा खुले थे, खुले हृदय के थे, उन्हीं के नंदन रघुनंदन हैं दशरथ जी महाराज। तो इस प्रकार से समझे जो उनको नाम दिया उस वक्त रघुनंदन दशरथ महाराज की जाए, रघुनंदन दशरथ महाराज की जाए। अब उस वक्त जो कैकई और सुमित्रा हैं, कैकई और सुमित्रा जो है दोनों दौड़ती दौड़ती आई, हालांकि ये भी गर्भवती हैं समय, इनको भी एक साल हो चुका है गर्भधारण किए हुए, लेकिन इनके पेट में ना इनको फील हुआ कि इनके जो बच्चे हैं वो पेट को छू रहे हैं एज इफ पेट से हाथ बाहर निकालना चाहते हो और राम जी का चरण छूना चाहते हो। तो उनको पेट ऐसा फील हुआ कि यहाँ कोई हाथ लगा रहा है, हमें पुश कर रहा है एज इफ कि अब बस हमें अभी बाहर निकाल ही दो ताकि हम राम जी के चरण छू लें। तो दोनों को फील हुआ, तो दोनों आपस में चर्चा भी की, कहते ये पेट में बड़ा अजीब सा फील हो रहा है एज इफ कोई पुश कर रहा है अंदर से। कहते हाँ लग रहा है ऐसा पुश कर रहा है बिल्कुल। तो पुश क्या कर रहे थे, अंदर जो लक्ष्मण जी हैं शत्रुघ्न हैं भरत हैं वो पुश कर रहे थे कि हम गर्भ में हैं, काश कि ऐसा होता बाहर आ जाते और इनके चरण छू लेते ऐसा। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया बस अब और विलंब नहीं करेंगे। तो अगले दिन सुबह सुबह कैकेयी के यहाँ पर भरत जी का प्राकट्य हो गया। तो भरत जी का जो प्राकट्य हुआ उस वक्त पुष्मी नाम का जो नक्षत्र था वो था, और दोपहर में फिर सुमित्रा जी के जो दो जुड़वा पुत्र वो भी पैदा हो गए, वो अश्लेषा नाम का नक्षत्र था उसमें उनका प्राकट्य हुआ। और जैसे जैसे इन्होंने खीर खाई थी इसी इसी ऑर्डर प्रकट हुए, सबसे पहले कौशल्या, उसके बाद कैकेयी, उसके बाद सुमित्रा। तो जिस ऑर्डर में खीर खाई थी उसी ऑर्डर में फिर ये बच्चे भी इनको प्रकट हुए। और फिर इतना मतलब पूरा सेलिब्रेशंस की जितनी सीमाएं मतलब लांग गए दशरथ महाराज कि मेरे पुत्र ही प्रकट हो गए, राम भी प्रकट हो गए, उसके बाद भरत थे वो प्रकट हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये भी प्रकट हुए। अब इनकी नेम गिविंग सेरेमनी है, अब नामकरण संस्कार हुआ इनका। तो नामकरण संस्कार जो था वो होना हुआ, तो इसके लिए काफी बहुत सबको बुलाया गया, सगे संबंधियों को सबको बुलाया गया, और जितने लोग थे अयोध्या में इतने खुश थे, ऋषि मुनि वगैरह जितने भी कैदी थे उनको छोड़ दिया गया था,
जितने भी लोग दुखी थे उनके उनके दुख दूर हो गए थे, सबके मन बड़े शांत हो गए थे, और खजाना उन्होंने लुटा दिया फिर से। वास्तव में जो दान देता है ना भगवान उसको देते हैं, और दान देने में दशरथ महाराज ऐसे ही थे, उन्होंने तो फिर से दान दे दिया उन्होंने ऐसा कि भाई मेरे दो मेरे और बाकी पुत्र भी हो गए। तो इस प्रकार से फिर अब बात आई कि इनका नामकरण संस्कार होना है, बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाए। तो वशिष्ठ मुनि जो है मतलब वो सेरेमनी के पहले उपस्थित हो गए कि आज अभी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होना है नेम गिविंग सेरेमनी का, तो इसलिए सबसे पहले प्रभु श्री राम की बारी आई। तो जैसे ही उन्होंने उनको लिया अपनी गोद में वशिष्ठ मुनि ने, तो वशिष्ठ मुनि तो पहले तो उनकी सुंदरता को देखते देखते इतने खो गए कि उनको ये याद ही नहीं रहा कि ना मेरे को नाम देना है। तो देखते देखते उनको निकल गया राम। तो दशरथ ने कहा क्या क्या, क्या 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 बोला, क्या, क्या नाम दिया आपने? हाँ क्या नाम? राम। तो वशिष्ठ मुनि को लगा वास्तव में मैं नाम दे नहीं रहा, ये नाम इनका पहले से ही है, ये तो सिर्फ एक सेरेमनी में कर रहा हूं कि इनका नाम मैं दे रहा हूं, पर असल में इनका नाम यही है। तो इससे उनको देखते वो जो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में जो नाम आया राम, तो सबने कहा जय राम राम, कितना सुंदर नाम है राम। उसका वशिष्ठ मुनि फिर सब बताया सबको, राम इसका नाम राम होगा क्योंकि राम का मतलब है आध्यात्मिक आनंद। जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा, इनका नाम लेगा, इनके बारे में बोलेगा, समझेगा, बूझेगा, स्मरण करेगा, उसके जीवन में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी, इसलिए इसका नाम है राम ऐसा। फिर दूसरा पुत्र कौन थे? भरत। तो भरत का जब नाम आना हुआ तो भरत को भी जो है देखते हुए इतने मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि जो शालीनता पवित्रता ओज और तेज भरत के अंदर था वो ऑ इंस्पायरिंग, बहुत ही ज्यादा हृदय को छू जाने वाला। तो स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से नाम निकल गया भरत। अच्छा भरत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ना उस वक्त उन्होंने देख लिया था कि ये व्यक्ति आगे जाकर इसको बहुत भार लेना पड़ेगा। भरत महाराज का नाम क्यों पड़ा भरत? भरत नाम का नाम पड़ा, भरत महाराज का नाम पड़ा भरत क्योंकि आगे जाके ये भार उठाने वाले हैं, किसका? पूरे साम्राज्य का, अयोध्या का। जब श्री राम नहीं होंगे उस वक्त साम्राज्य को संभालने का भार संभालेंगे भरत, इसलिए इनका नाम होगा भरत। साथ ही एक और कारण भी था भरत उनका नाम पड़ने का, वो यह है वो भार सहेंगे एलिगेशंस का, झूठी एलिगेशंस का। हालांकि भरत बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे श्री राम के उनके उनको वनवास कराने में, लेकिन फिर भी सबने एलिगेशंस की, इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि इसको लोलुपता थी राजपाट की, इसीलिए इसकी मां ने मांग लिया कि भरत का राज अभिषेक होगा। भरत कह रहे अरे मैंने किया क्या? तो इसलिए झूठी एलिगेशंस का भार भी जिनको लेना पड़ेगा वो होंगे भरत। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा भरत। फिर अब नेक्स्ट बारी आई लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को जब उन्होंने गोद में लिया तो फिर से उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से इतना प्रेम इतना भक्ति भाव आया वशिष्ठ मुनि के कि उनके मुंह से निकला लक्ष्मण। लक्ष्मण कैसे नाम होगा? लक्ष्मण का मतलब होगा जो लक्ष्मी को धारण करने वाले होंगे लक्ष्मण। हालांकि वैसे हम देखते हैं लक्ष्मण जो है वैसे तो वन में रहे तो लक्ष्मी कैसे भला भाई, ऐसे कैसे लक्ष्मण? लेकिन जो भगवान के प्रति सेवा की भावना की लक्ष्मी वो लेके चलेंगे अपने साथ तो वो होंगे लक्ष्मण, जैसे सुबह बता रहे थे शुक्रप्रिय प्रभु बता रहे थे। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा लक्ष्मण, क्योंकि वास्तविक धन है हमारा सेवा का, जिसके पास सेवा है वो धनी है, जिसके पास सेवा नहीं है वो धनी नहीं है, या जिसके पास मान लीजिए सेवा थी और वो सेवा खो बैठा तैश में आकर के, नहीं करनी हमें सेवा, क्या ये इकलौता यही मंदिर है, हजार जगहें पड़ी हैं, पलड़ करके निकल गया वो, अब उससे क्या है वो लक्ष्मी चली गई, सेवा सेवा की जो लक्ष्मी है वो चली गई। तो इसीलिए वास्तविक लक्ष्मी उसी के पास है जिसके पास है सेवा, इसलिए कभी भगवान की जो सेवा ठुकरानी नहीं चाहिए, सैकड़ों जन्मों के बाद ये सौभाग्य मिलता है भगवान की सेवा करने का, तो इसीलिए कोई सेवा मिले हमें उत्साहपूर्वक सेवा करना चाहिए। तो सेवा करने की लक्ष्मी जो धारण करेंगे हमेशा श्री राम की सेवा में लगे रहेंगे, कोई ऐसा समय नहीं होगा जब लक्ष्मण जी के पास सेवा नहीं होगी, इसीलिए लक्ष्मण जो है उनका नाम पड़ा लक्ष्मण। जो चौथे थे उनका नाम पड़ा शत्रुघ्न, यानी हमेशा शत्रुओं पर जो विजयी होंगे शत्रुघ्न।
शत्रुओं को हनन करने वाले, शत्रुओं को क्योंकि हंता होंगे शत्रुघ्न। लेकिन इनकी लाइफ में बड़ी अजीब सी बात है कि ना इनका कोई युद्ध वगैरह हुआ नहीं कभी किसी से। जब युद्ध हुआ ही नहीं तो विजय गाएगी। एक लवणासुर नाम का एक राक्षस का आता है रामायण के अंदर, की लवणासुर नाम का एक राक्षस था, उसको मारा बस शत्रुघ्न जी ने, और कोई युद्ध है ही नहीं उनका। तो भरा ये युद्ध कौन सा लड़ेंगे जिसमें विजयी होंगे ये? असल में जो शत्रुघ्न थे इनको भी श्री राम से बहुत आकर्षण था, बहुत आकर्षण था इनका। लेकिन उन्होंने सोचा था नहीं, मैं भरत जी की सेवा करूंगा, मैं भरत जी की सेवा करूंगा। तो इसीलिए उस आकर्षण को जीतना ये बहुत बड़ा युद्ध था जो कि उन्होंने लड़ा, राम जी के प्रति आकर्षण कि मुझे नहीं राम नहीं मुझे भरत जी की सेवा करनी है। राम जी से इतना आकर्षण लेकिन नहीं मुझे तो भरत जी की सेवा करनी है, नहीं मुझे भरत की सेवा करनी। ये जो युद्ध उन्होंने लड़ा और इसमें वो विजयी हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा शत्रुघ्न। महासमय तो इस प्रकार से जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये प्रकट हुए, तो वास्तव में ये चतुर्व्यूह ही है। ये आगे लेकर आएंगे, कोई आगे लेकर जाएगा इसको? तो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो इसमें जो वासुदेव हैं वो हैं श्री राम, जैसे आप यहां देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर जो राम है वो है वासुदेव जी। अच्छा, संकर्षण कौन है? लक्ष्मण जी। प्रद्युम्न कौन है? भरत। अनिरुद्ध कौन है? शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से ये रहेंगे। और साथ ही ये है कौन? स्वयं भगवान वासुदेव, ठीक है, वो है वासुदेव। अनंत शेष है, वो है लक्ष्मण जी। अनिरुद्ध है, वो है शंख, और चक्र है भरत। साथ ही ये चार रिप्रेजेंट करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने सेवा की राम जी की, शत्रुघ्न जी ने सेवा की भरत जी की, क्योंकि राम रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, लक्ष्मण रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को, शत्रुघ्न रिप्रेजेंट करते हैं काम को, और भरत रिप्रेजेंट करते हैं मोक्ष को। हालांकि ये सबके परे हैं, इसे समझाने की बात है। लेकिन अर्थ किसके लिए है? धर्म की सेवा करने के लिए। जो काम किसके लिए है? मोक्ष की सेवा करने के लिए। जिस तरह से लक्ष्मण जी हैं राम जी की सेवा करने के लिए, शत्रुघ्न जी हैं वो भरत जी की सेवा करने के लिए। तो इसीलिए धर्म और मोक्ष ये तो वाकई में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को बिगाड़ता क्या है? अर्थ और काम, रोकड़ा और काम इच्छाएं। लेकिन अगर धन, ऐश्वर्य इत्यादि अगर लग जाता है धर्म की सेवा, धर्म का विकास करने में, जैसे हमारे प्रद्युम्न प्रिय प्रभु अपना धन किसमें लगाते हैं? अपने अर्थ को किसमें लगाते हैं? धर्म का विकास करने में। तो होगा क्या, ऐसे में अर्थ पवित्र हो जाता है धर्म की सेवा में लग करके। इस दुनिया के अंदर लोग धर्म को यूज करते हैं अर्थ कमाने के लिए, लेकिन वास्तव में अर्थ होता है धर्म की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण जी हैं राम की सेवा करने के लिए। उसी प्रकार से कामुकता, सांसारिक इच्छाएं, ऐश्वर्य, वैभव, ये इसलिए होना चाहिए ताकि हम अल्टीमेटली मोक्ष की ओर आगे बढ़े। हमारी इच्छाएं होनी चाहिए मोक्ष की ओर आगे बढ़ने की। अच्छा, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि काम के कौन है वैसे? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने प्रभु की सेवा नहीं चुनी, शत्रुघ्न ने प्रभु के भक्त की सेवा चुनी। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु के भक्त की सेवा चुनेगा उसको क्या मिलेगा? मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति अगर होगी तो उसको होगी जो कि भक्तों की सेवा करेगा। तो शत्रुघ्न जी ने ही हैड इमेंस टेम्पटेशन टू सर्व लॉर्ड राम, लेकिन उन्होंने चुना नहीं, मैं राम जी की सेवा के बजाय भक्त की सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से काम लग गया मोक्ष की सेवा में, ऐसा। तो इसीलिए जो काम है, जो भी है, किसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, अल्टीमेटली ये इच्छाएं जब भगवान की ओर केंद्रित होंगी, भक्तों की सेवा में केंद्रित होंगी, तो ये इच्छाएं पवित्र होती जाती हैं, और ऐसे में व्यक्ति जो है काम से फिर मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ है धर्म की सेवा करने के लिए, काम है मोक्ष की सेवा करने के लिए, और अल्टीमेटली ये सबके सब हमारा परो धर्म भगवान के प्रति प्रेम, उसकी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से जो चारों भाई हैं ये प्रकट हुए, और ये चारों भाई जो हैं, जैसे हमने बताया कि भगवान श्री राम की लीलाओं के अंदर चार कमल हैं, और जो पूरे जो श्री राम के गुणों का ये जो सरोवर है, इसकी मिठास क्या है? इन चारों भाइयों के आपस में प्रेममय आदान प्रदान, ये श्री राम के गुणों की जो लीला है, उसका जो सागर है, सरोवर है, उसकी मिठास है ये। तो इस प्रकार से इनका यह प्राकट्य हुआ। अब ये इनका प्राकट्य क्यों हुआ ये हम चर्चा करेंगे कल। तो हम इसमें वाल्मीकि रामायण से भी लेंगे और साथ ही रामचरितमानस से भी लेंगे। दोनों में रीजंस बताए गए हैं कि भगवान का विशेष रूप से ये अवतार ये भला क्यों हुआ। तो उसमें कई इंटरेस्टिंग कथाएं हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को है, वो हम कल चर्चा करेंगे।